आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी तेज है। चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत नहाय खाय के साथ होगी। छठ को लेकर के तमाम परदेशी अपने घर पहुंचने लगे। सभी को प्रत्येक वर्ष इस छठ पूजा का विशेष इंतजार रहता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है और चार दिवसीय इस अनुष्ठान की शुरुआत कल मंगलवार को नहाय खाय के साथ हो जाएगी। और अब जो प्रवासी जो लोग हैं वो अब गांव पहुंचने लगे हैं और कई लोग गांव पहुंच भी चुके हैं। ट्रेनों में जो है लगातार कई तरह की स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है ताकि जो भी प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो छठ पूजा में गांव आराम से पहुंच सके। इसके लिए जो रेलवे है वो कई तरह की जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चला रही है और कई लोग जो हैं वो गाँव की तरफ पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि कब आप लोग आए हैं ट्रेन से। अभी उतरे हैं। तो कैसा रहा सफर आप लोग? ठीक। तो छठ पूजा में ही गांव आते हैं आप लोग? नहीं, शादी दिन भी आते हैं, छठ में भी आते हैं। मतलब किसी आयोजन में ही घर पहुंच पाते हैं। हाँ। अच्छा, कैसा रहा आप लोग का सफर? क्योंकि सरकार जो है कई तरह से रेलवे जो है वो छठ पूजा को लेकर स्पेशल ट्रेनें चला रही है, तो आप लोगों को कितना सुविधा हुआ? नहीं, इस बार तो व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, बहुत स्पेशल ट्रेनें चल रही है और जो भी बाकी जनरल भी ट्रेनें चल रही है बिल्कुल आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पर वासियों को आने में दिक्कत नहीं हो रही है, व्यवस्था ठीक है। तो कितनी महत्ता होती है छठ की कि जब छठ पूजा आती है तो तमाम तरह के जो लोग हैं प्रवासी लोग गांव पहुंचने लगते हैं, क्या आप लोग महत्व रखते हैं? महत्व इतना है कि चार महीना पहले ट्रेन की टिकट होती है, चार महीना के पहले ही लोग के मन में बेचैनी होने लगती है कि पता ना टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरह से हम पहुंच पाएंगे, सारा जुगाड़ लगाने के चक्कर में लग जाते हैं और किसी तरह घर जाना ही है। इस बार छठ पूजा में धूम मचानी है। हाँ, इस बार धूम बेचैनी हो गई, कब घाटों पे पहुंचे? बस कब घाटों नजदीक आए, हम घाटों पे पहुंचे और धूम धड़ाका मचाए। तो देखिए कितनी चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक खुशी है कि हम घर पहुंच गए हैं और इस चार दिवसीय अनुष्ठान की जब शुरुआत कल मंगलवार को नहाए खाए के साथ होगी तो ये लोग अपने परिवार के साथ होंगे और यह एक इमोशनल भावनात्मक लगाव हो जाता है जब लोग छठ में घर पहुंचते हैं। कुछ और लोग हैं। बाबू आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से? कितना समय लगा आने में? छठ पूजा में आए हैं? पहले भी आए हैं? छठ पूजा में आ जाते हैं क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? दिव्या। किसके साथ आए हैं? मम्मी पापा के साथ। तो तमाम आप देख रहे हैं सब लोग जो है वो अपने परिवार के साथ, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इस पर्व में इस त्योहार में छूटे ना और सभी लोग अपने घाटों पे पहुंचे, इसके लिए जिस तरह से सरकार व्यवस्था करती है उसी तरह परिवार के लोग भी अपने पूरे परिवार के साथ व्यवस्थित होकर पहुंचते हैं और पूरे परिवार और समाज के साथ छठ पूजा मनाते हैं। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी तेज है। चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत नहाय खाय के साथ होगी। छठ को लेकर के तमाम परदेशी अपने घर पहुंचने लगे। सभी को प्रत्येक वर्ष इस छठ पूजा का विशेष इंतजार रहता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है और चार दिवसीय इस अनुष्ठान की शुरुआत कल मंगलवार को नहाय खाय के साथ हो जाएगी। और अब जो प्रवासी जो लोग हैं वो अब गांव पहुंचने लगे हैं और कई लोग गांव पहुंच भी चुके हैं। ट्रेनों में जो है लगातार कई तरह की स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है ताकि जो भी प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो छठ पूजा में गांव आराम से पहुंच सके। इसके लिए जो रेलवे है वो कई तरह की जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चला रही है और कई लोग जो हैं वो गाँव की तरफ पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि कब आप लोग आए हैं ट्रेन से। अभी उतरे हैं। तो कैसा रहा सफर आप लोग? ठीक। तो छठ पूजा में ही गांव आते हैं आप लोग? नहीं, शादी दिन भी आते हैं, छठ में भी आते हैं। मतलब किसी आयोजन में ही घर पहुंच पाते हैं। हाँ। अच्छा, कैसा रहा आप लोग का सफर? क्योंकि सरकार जो है कई तरह से रेलवे जो है वो छठ पूजा को लेकर स्पेशल ट्रेनें चला रही है, तो आप लोगों को कितना सुविधा हुआ? नहीं, इस बार तो व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, बहुत स्पेशल ट्रेनें चल रही है और जो भी बाकी जनरल भी ट्रेनें चल रही है बिल्कुल आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पर वासियों को आने में दिक्कत नहीं हो रही है, व्यवस्था ठीक है। तो कितनी महत्ता होती है छठ की कि जब छठ पूजा आती है तो तमाम तरह के जो लोग हैं प्रवासी लोग गांव पहुंचने लगते हैं, क्या आप लोग महत्व रखते हैं? महत्व इतना है कि चार महीना पहले ट्रेन की टिकट होती है, चार महीना के पहले ही लोग के मन में बेचैनी होने लगती है कि पता ना टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरह से हम पहुंच पाएंगे, सारा जुगाड़ लगाने के चक्कर में लग जाते हैं और किसी तरह घर जाना ही है। इस बार छठ पूजा में धूम मचानी है। हाँ, इस बार धूम बेचैनी हो गई, कब घाटों पे पहुंचे? बस कब घाटों नजदीक आए, हम घाटों पे पहुंचे और धूम धड़ाका मचाए।
तो देखिए कितनी चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक खुशी है कि हम घर पहुंच गए हैं और इस चार दिवसीय अनुष्ठान की जब शुरुआत कल मंगलवार को नहाए खाए के साथ होगी तो ये लोग अपने परिवार के साथ होंगे और यह एक इमोशनल भावनात्मक लगाव हो जाता है जब लोग छठ में घर पहुंचते हैं। कुछ और लोग हैं। बाबू आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से कितना समय लगाने में छठ पूजा में आए हैं? पहले भी आए हैं छठ पूजा में? आ जाते हैं क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? दिव्या। किसके साथ आए हैं? मम्मी पापा के साथ। तो तमाम आप देख रहे हैं सब लोग जो है वो अपने परिवार के साथ, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इस पर्व में इस त्योहार में छूटे ना और सभी लोग अपने घाटों पे पहुंचे, इसके लिए जिस तरह से सरकार व्यवस्था करती है उसी तरह परिवार के लोग भी अपने पूरे परिवार के साथ व्यवस्थित होकर पहुंचते हैं और पूरे परिवार और समाज के साथ छठ पूजा मनाते हैं। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी तेज है। चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत नहाय खाय के साथ होगी। छठ को लेकर के तमाम परदेशी अपने घर पहुंचने लगे। सभी को प्रत्येक वर्ष इस छठ पूजा का विशेष इंतजार रहता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है और चार दिवसीय इस अनुष्ठान की शुरुआत कल मंगलवार को नहाय खाय के साथ हो जाएगी और अब जो प्रवासी जो लोग हैं वो अब गांव पहुंचने लगे हैं और कई लोग गांव पहुंच भी चुके हैं। ट्रेनों में जो है लगातार कई तरह की स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है ताकि जो भी प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो छठ पूजा में गाँव आराम से पहुँच सकते। इसके लिए जो रेलवे है वो कई तरह की जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चला रही है और कई लोग जो हैं वो गांव की तरफ पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि कब आप लोग आए हैं ट्रेन से? अभी उतरे हैं। तो कैसा रहा सफर आप लोग? ठीक। तो छठ पूजा में ही गांव आते हैं आप लोग? नहीं, सादे दिन भी आते हैं, छठ में भी आते हैं। मतलब किसी आयोजन में ही घर पहुँच पाते हैं? हाँ। अच्छा, कैसा रहा आप लोग का सफर, क्योंकि सरकार जो है कई तरह से रेलवे जो है वो छठ पूजा को लेकर स्पेशल ट्रेनें चला रही है, तो आप लोगों को कितना सुविधा हुआ? नहीं, इस बार तो व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, बहुत स्पेशल ट्रेनें चल रही है और जो भी बाकी जनरल भी ट्रेनें चल रही है बिल्कुल आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार प्रवासियों को आने में दिक्कत नहीं हो रही है, व्यवस्था ठीक है। कितनी महत्ता होती है छठ की कि जब छठ पूजा आती है तो तमाम तरह के जो लोग हैं प्रवासी लोग गाँव पहुँचने लगते हैं, क्या आप लोग महत्व रखते हैं? महत्व इतना है कि चार महीना पहले ट्रेन की टिकट होती है, चार महीना के पहले ही लोग के मन में बेचैनी होने लगती है कि पता ना टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरह से हम पहुंच पाएंगे, सारा जुगाड़ लगाने के चक्कर में लग जाते हैं और किसी तरह घर जाना ही है। इस बार छठ पूजा में धूम मचानी है? हाँ, इस बार धूम। बेचैनी हो गई कब घाटों पे पहुंचे? बस कब घाटों नजदीक आए, हम घाटों पे पहुंचे और धूम धड़ाका मचाएं। तो देखिए कितनी चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक खुशी है कि हम घर पहुंच गए हैं और इस चार दिवसीय अनुष्ठान की जब शुरुआत कल मंगलवार को नहाए खाए के साथ होगी तो ये लोग अपने परिवार के साथ होंगे और यह एक इमोशनल भावनात्मक लगाव हो जाता है जब लोग छठ में घर पहुंचते हैं। कुछ और लोग हैं। बाबू आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से कितना समय लगाने में छठ पूजा में आए हैं? पहले भी आए हैं छठ पूजा में? आ जाते हैं क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? दिव्या। किसके साथ आए हैं? मम्मी पापा के साथ। तो तमाम आप देख रहे हैं सब लोग जो है वो अपने परिवार के साथ, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इस पर्व में इस त्योहार में छूटे ना और सभी लोग अपने घाटों पे पहुंचे, इसके लिए जिस तरह से सरकार व्यवस्था करती है उसी तरह परिवार के लोग भी अपने पूरे परिवार के साथ व्यवस्थित होकर पहुंचते हैं और पूरे परिवार और समाज के साथ छठ पूजा मनाते हैं।